गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम टू पेंडलम ईडीयू। पेंडलम ईडीयू पे आप सभी का स्वागत है गाइस। आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम जनरल अवेयरनेस का एसएससी सीजीएल टीयर 1 के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। 5 मार्च 2020 आफ्टरनून शिफ्ट के हम लोग करने वाले हैं। सो फटाफट से सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए। चलिए गाइस, हमारे साथ जुड़ चुके हैं करिश्मा आर्य। गाइस एक बार सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। फटाफट से डिफरेंट जो आपके ग्रुप्स हैं, स्टडी ग्रुप्स हैं, वहाँ पर आप एक बार ज़रूर जाकर इसको शेयर करिएगा, लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग सेशन की, आंसर करिएगा। द इंडियन आर्मी सेट टू कमीशन द फर्स्ट बैच ऑफ वुमेन सोल्जर्स बाय ईयर डैश। तो इंडियन आर्मी जो है पहला बैच वुमेन सोल्जर्स का कब कमीशन करेगी? 2020, 2022, 2021 एंड 2023। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज 2021। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे। पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद डैश। तो पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे डील करता है? स्टेट्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनियन टेरिटरीज एंड पंचायत्स। सो बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? पार्ट 8 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन किससे रिलेटेड आपका? सो पार्ट 8 आपका यूनियन टेरिटरी से रिलेटेड है। म्यूनिसिपल और पंचायत ये आपका पार्ट 9 के अंतर्गत आते हैं। पार्ट 9 आपका पंचायत और पार्ट 9 ए आपका म्युनिसिपैलिटीज हो जाता है। ये आपका पार्ट 9 हो जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट लोकेटेड इन उड़ीसा। इनमें से कौन सा उड़ीसा में लोकेटेड नहीं है? मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व, सोनितपुर एलिफेंट रिजर्व एंड महानदी एलिफेंट रिजर्व, बताइए। सो करेक्ट आंसर इसका क्या होगा? कौन सा उड़ीसा में लोकेटेड नहीं है? सो मयूरभंज, संबलपुर, ठीक है, महानदी, तीनों आपके लोकेटेड है उड़ीसा में। सोनितपुर जो है ये आपका लोकेटेड नहीं है। सो ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर, राइट। सो आशीष, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे। विच ऑफ दी फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन। आयरन का इनमें से ओर कौन सा नहीं है? क्यूपराइट, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट एंड सिडराइट। सो कौन सा इसमें से आयरन का ओर नहीं है? बहुत इजी क्वेश्चन है ये। सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए हो जाएगा, दैट इज क्यूपराइट। क्यूपराइट आपका कॉपर का ओर है, ठीक है, ये कॉपर का ओर है। बाकी सारे जो हैं ये आपके ओर्स ऑफ आयरन है। हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, सिड्राइट, ये सभी आयरन के ओर हैं। क्यूपराइट जो है आपका कॉपर का ओर है, ठीक है। इसका फॉर्मूला होता है Cu2O। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखिए। नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस वॉज फॉर्म बाई इंसर्शन ऑफ आर्टिकल डैश इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। सो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास, ये आपको इसको कॉन्स्टिट्यूशन दर्जा कब मिला था? कौन सा आर्टिकल इसके लिए इंसर्ट किया गया? 328B, 328A, 338A एंड 338B। सो 338 और 338A आपका एससी और एसटी से रिलेटेड है। 338B जो है इसको इंसर्ट किया गया था फॉर बैकवर्ड क्लासेस। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेम द फर्स्ट फीमेल एम्प्यूट टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट। सो प्रेमलता अग्रवाल, अरुणिमा सिन्हा, पूर्णा मलावत एंड अंशु जेम्सनपा, बताइए करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? फटाफट से कमेंट करिए गाइस। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा जो है ये फर्स्ट फीमेल एम्प्यूटी हैं जो माउंट एवरेस्ट जिन्होंने क्लाइम किया था। नेक्स्ट देखेंगे, पेरिनिशियस एनीमिया इज कॉज्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डैश B2, B6, B1 एंड B12, बताएंगे। सो पेरिनिशियस एनीमिया जो है ये आपका किसकी डेफिशिएंसी से कॉज होता है? B2, B6, B1 या फिर B12। सो ये आपका B12 की डेफिशिएंसी से होता है, इसलिए कहते हैं विटामिन B12 बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सो आपका नर्वस सिस्टम भी ब्रेक डाउन कर जाता है अगर B12 की कमी हो जाती है तो। सो नेक्स्ट देखेंगे, इंडिया वॉन इट्स डैश सक्सेसिव टाइटल एट द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन वुमेंस चैंपियनशिप इन मार्च 2019। इंडिया ने अपना कौन सा टाइटल जीता था मार्च 2019 का? करंट अफेयर देखिए पूछा गया आपको, इतना पुराना भी पूछ रहे थे कई बारी। सो इसमें कौन सा वाला इंडिया ने जीता था? सो फोर्थ, सिक्स, सेकेंड या फिर फिफ्थ? तो ये फिफ्थ सक्सेसिव टाइटल जीता गया था। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस।
मूविंग फॉरवर्ड नेक्स्ट क्वेश्चन देखें हम. द एक्सकेवेटेड रिमेन्स ऑफ डैश फाउंड नियर पटना इन बिहार वॉज इंस्क्राइब्ड एज अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट बाई यूनेस्को इन जुलाई 2016. किसके जो रिमेनिंग थे, रिमेन्स थे, ये पटना में मिले, बिहार में, ये इसको वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया. अशोका पिलर, एलोरा केव, सांची स्तूप एंड नालंदा महावीरा. तो आप देख सकते हैं एलोरा केव्स आपकी कहाँ पर है, महाराष्ट्र में है, सांची स्तूप आपका मध्य प्रदेश में. तो ये दो ऑप्शन तो आपके ऐसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, तो आप ऐसे एलिमिनेशन मेथड भी यूज़ कर सकते हैं. सो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज नालंदा महावीरा, महाविहारा. ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे. द हेडक्वार्टर्स ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया आर लोकेटेड इन डैश. बीसीसीआई के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर है, बेंगलुरु, मुंबई, कोलकाता, दिल्ली. बीसीसीआई के करंट प्रेसिडेंट कौन है, सौरभ गांगुली हैं. कहाँ पर इसके हेडक्वार्टर है, मुंबई में है. ठीक है, ज़्यादातर आप देखेंगे हेडक्वार्टर्स या तो मुंबई में होते हैं या न्यू दिल्ली में होते हैं, दो ही मेजर जगह पर होते हैं, नॉट ऑल बट कुछ कुछ के. ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं. नेम द फर्स्ट लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर आपका यूनियन टेरिटरी बना 31 अक्टूबर 2019 में, तो उस समय उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बने थे, आरिफ मोहम्मद खान, भगत सिंह कोश्यारी, सत्यपाल मलिक एंड गिरीश चंद्र मुर्मू. सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर का होगा ऑप्शन डी, दैट इज जी सी मुर्मू, जो करेंटली कौन है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया है. करेंटली जो एल जी हैं जम्मू एंड कश्मीर के, कौन है, मनोज सिन्हा, कौन है, मनोज सिन्हा है. आरिफ मोहम्मद खान ये कहाँ के प्रेसिडेंट, सॉरी कहाँ के, ये अभी करेंटली गवर्नर हैं, तो ये केरला के गवर्नर हैं अभी. भगत सिंह कोश्यारी जो हैं महाराष्ट्र और गोवा के गवर्नर हैं. सत्यपाल मलिक अभी मेघालय के गवर्नर हैं. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखेंगे. डैश इज ऑल्सो नोन एज दी गोल्डन सिटी. गोल्डन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, दुंगारपुर, जोधपुर, बूंदी या फिर जैसलमेर. गोल्डन सिटी, सो गोल्डन सिटी के नाम से किसको जाना जाता है, सो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, बूंदी नहीं होगा, जैसलमेर होगा. जैसलमेर विल बी द करेक्ट आंसर. गोल्डन सिटी जैसलमेर को कहा जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. द एग्रीगेट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन एन इकोनॉमी कैन बी कैलकुलेटेड बाई थ्री मेथड्स, इनकम मेथड, एक्सपेंडिचर मेथड एंड डैश मेथड. सो दिस इज प्रोडक्ट वैल्यू एडेड, स्पेंडिंग, डिपॉजिट एंड टेंडिंग. तो देखिए मैंने आपको बताया था, जब मैंने आपको इकोनॉमी के बारे में पढ़ाया था, बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी मैंने आपको पढ़ाए थे, तो वहाँ मैंने आपको बताया था कि तीन मेथड से आप जो है जो गुड्स एंड सर्विसेज का एग्रीगेट वैल्यू है उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. वन इज इनकम मेथड, अनदर इज एक्सपेंडिचर एंड थर्ड वन इज प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड. तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा. ठीक है, सो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. चलिए नेक्स्ट देखेंगे, प्रोडक्ट और वैल्यू एडेड. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. डैश अनाउंस्ड हिज नाइटहुड इन प्रोटेस्ट फॉर जलियांवाला बाग मास किलिंग. ये क्वेश्चन आपका बहुत फेवरेट क्वेश्चन है एसएससी का, कई एग्जाम में आपका ये रिपीट हो चुका है. तो जमशेद जी, जी जी बॉय, रविन्द्रनाथ टैगोर, शिवाजी राव होलकर एंड सुरेंद्रनाथ बनर्जी. सो जब जलियांवाला बाग हुआ था हत्याकांड, ये कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 में हुआ था. तो इसके चलते किसने अपना नाइटहुड की उपाधि दे दी थी, तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर थे. ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा. चलिए नेक्स्ट देखेंगे. धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल, सहदेव रथ, ये फोर ऑफ पांच महारथ हैं जो आपके महाबलीपुरम में बने थे. कल क्वेश्चन देखिए, कल के शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया था आपसे कि जो पांच रथ हैं महाबलीपुरम में किसके द्वारा बनवाए गए थे, तो वो पल्लवाज के द्वारा बनवाए गए थे. आज आपको वो पांच में से चार रथ का नाम दिया है, पांचवा रथ कौन सा है ये आपसे पूछा गया. तो भीष्म रथ, कृष्ण रथ, करण रथ या फिर द्रौपदी रथ. तो ये कौन सा रथ था, सो दिस वॉज द्रौपदी रथ. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. चलिए नेक्स्ट देखिए हम. द डैश इन चाइना इज द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मैन मेड वाटर वे. तो इनमें से कौन सा चाइना का सबसे बड़ा मैनमेड वाटरवे है जो चाइना में लोकेटेड है. सो गुड आफ्टरनून शिवम, वेरी गुड आफ्टरनून. सुजो कैनाल, कील कैनाल, कोरिंथ कैनाल एंड ग्रैंड कैनाल, बताएंगे क्या नाम है इसका. थैंक यू शिवम, ये वीडियो जो है अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया है तो. सो करेक्ट आंसर का क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज ग्रैंड कैनाल. ठीक है, ग्रैंड कैनाल है ये. नेक्स्ट देखेंगे, सो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस.
द गदर और गदर पार्टी वॉज फॉर्म्ड इन द ईयर डैश 1921, 1918, 1915 एंड 1913. गदर पार्टी किसने फॉर्म की थी, मतलब कब फॉर्म हुई थी, ये आपसे पूछा गया है. सो दिस वॉज फॉर्म्ड इन 1913, 1913 में आपकी फॉर्म हुई थी. ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट देखेंगे, अलाई दरवाज़ा द सदर्न गेटवे ऑफ कुवत उल इस्लाम मॉस्क इन दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय डैश. तो अलाई दरवाज़ा जो कि एक सदर्न गेटवे है आपका कुवत उल इस्लाम मॉस्क का दिल्ली में, इसको किसने बनवाया था, मुइज़ुद्दीन मोहम्मद गौरी, अहमद शाह दुर्रानी, अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद बिन तुगलक, बताइए. सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा. हाँ बिल्कुल, लाला हरदयाल ने गदर पार्टी का फॉर्मेशन किया था. ठीक है, सोहन सिंह बकना थे, लाला हरदयाल सिंह थे. सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, दैट इज अलाउद्दीन खिलजी. अलाउद्दीन खिलजी के नाम पर, अलाई से याद रख लो, अलाउद्दीन खिलजी. ठीक है, अलाई दरवाज़ा इन्होंने फॉर्म किया था. चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द इंडस वाटर ट्रीटी वॉज साइन बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान ऑन डैश. जो आपकी इंडस वाटर ट्रीटी है किस किस के बीच में साइन हुई थी, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा ब्रोकर ट्रीटी है. वर्ल्ड बैंक ने इसमें मध्यस्थता की थी और इस ट्रीटी को जो है करवाया था इंडिया पाकिस्तान के बीच में. कब इस पे साइन किया गया था, 19 सितंबर 1960, 12 नवंबर 1959, 16 दिसंबर 1963 एंड 18 अक्टूबर 1969. सो इंडस वाटर ट्रीटी में जो ICJ यानी कि इंडस, चेनाब और झेलम, ये तो चली गई पाकिस्तान के पास, और जो BRS है, BRS यानी कि आपका ब्यास, ठीक है, रावी और सतलज, ये आपका चलेगा किसके पास, ये चला गया भारत के पास. ठीक है, सो ये कब साइन हुई थी, सो दिस वॉज साइन इन 1960. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर. भारत से जवाहरलाल नेहरू ने इसको साइन किया था. यस शिवम, राइट, 1960 इज द करेक्ट आंसर. यस चलिए, हाँ 80% बिल्कुल यूज़ करेगा पाकिस्तान और 20% भारत के पास था ICJ का, राइट. नेक्स्ट देखिए, डैश आर दी होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ टू और मोर कॉम्पोनेंट्स. इनमें से कौन से होमोजीनियस मिक्सचर्स हैं, दो या दो से ज़्यादा आपके कॉम्पोनेंट्स के, क्या कहते हैं इनको, एमलगम सोल्यूशंस, एंजाइम्स एंड इमल्शंस, बताएंगे. सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज सोल्यूशन. तो सोल्यूशन जो होते हैं आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं, दो या दो से ज़्यादा अधिक कॉम्पोनेंट के. यस चलिए नेक्स्ट देखेंगे, द टोटल नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड बाय टू मिरर्स इंक्लाइंड एट 120 डिग्री टू ईच अदर इज डैश 4, 3, 2 एंड 1. तो दो मिरर्स आपके हैं और वो 120 डिग्री पर इंक्लाइंड है एक दूसरे के प्रति. सो कितनी मिरर इमेजेस इसमें फॉर्म होंगी, 4, 3, 2 एंड 1, बताइए करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका. पाकिस्तान के उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर थे अयूब खान, उनके साथ, उनके द्वारा साइन किया गया था. ठीक है शिवम, सो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी होगा, दैट इज 2. ठीक है, दो यहाँ पर इमेजेस आपकी फॉर्म होंगी. ठीक है चलिए, यस आकाश, राइट, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है. नेक्स्ट देखिए, डेप्रिसिएशन इज एन एनुअल अलाउंस फॉर द वियर एंड टीयर ऑफ डैश. डेप्रिसिएशन ये आपका एनुअल अलाउंस होता है जो वियर और टीयर किस चीज़ के लिए दिया जाता है, वर्क इन प्रोग्रेस, लैंड, फिनिश गुड्स या कैपिटल गुड्स, किस पे दिया जाता है आपका एनुअल अलाउंस डिप्रिसिएशन का. सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज कैपिटल गुड्स. ठीक है, कैपिटल गुड्स जो होते हैं उन पे डिप्रिसिएशन, मतलब उनका जो वियर एंड टीयर होता है उस पे एनुअल अलाउंस जो आपका मिलता है वो डिप्रिसिएशन कहलाता है. ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट देखिए, द पद्मा अवार्ड्स आर अनाउंस्ड अराउंड डैश एवरी ईयर. तो पद्मा अवार्ड्स जो आपके हैं, पद्मा अवार्ड्स जो आपके अनाउंस हुए थे, सो ये आपके कब अनाउंस किए जाते हैं, रिपब्लिक डे के समय में, सद्भावना दिवस के समय, इंडिपेंडेंस डे के टाइम पे, या फिर हिंदी दिवस के समय पे. यस शिवम, राइट, वो प्रेसिडेंट थे, सॉरी वो प्रेसिडेंट थे और प्रेसिडेंट अयूब खान के साथ वहाँ पर हस्ताक्षर किए गए थे. ठीक है, उनके द्वारा ही हस्ताक्षर किए गए थे इस पर. चलिए
सो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पद्म अवार्ड्स कब अनाउंस किए जाते हैं, रिपब्लिक डे पर अनाउंस किए जाते हैं, ठीक है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण एंड पद्मश्री, दीज आर अनाउंस्ड ड्यूरिंग द रिपब्लिक डे, उसके आसपास ही इसको अनाउंस किया जाता है, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़े हम लोग, नेक्स्ट देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज एज अ कैटलिस्ट इन हाइड्रोजनेशन रिएक्शन, तो इनमें से कौन सा आपका कैटलिस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में, बेरियम, आयरन, टंगस्टन एंड पैलेडियम, बताइए हाइड्रोजनेशन के रिएक्शन में कौन सा आपका एज अ कैटलिस्ट इस्तेमाल किया जाता है। कैटलिस्ट क्या होता है, ये आपके ऐसे एलिमेंट होते हैं जो किसी भी रिएक्शन का जो स्पीड है या तो उसको तेज़ कर देते हैं या फिर उसको स्लो डाउन कर देते हैं, बट वो एज सच पार्टिसिपेट नहीं करते हैं रिएक्शन में, तो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, दैट इज पैलेडियम, पैलेडियम इसमें पार्टिसिपेट करता है। नेक्स्ट देखेंगे, द हैदराबाद फंड हैड बीन हेल्ड बाय द डैश इन द अकाउंट ऑफ द हाई कमिश्नर ऑफ पाकिस्तान टू यूके हबीब इब्राहिम रहीमतुल्ला, तो हैदराबाद फंड जो है ये किसके द्वारा हेल्प किया गया था, बैंक ऑफ इंग्लैंड, नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक, बटरफील्ड प्राइवेट बैंक एंड किंगडम बैंक, सो करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, दैट इज नेशनल वेस्टमिंस्टर बैंक। सो चलिए गाइस, हमारा सेशन यहाँ पर एंड होता है, आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए नोटिफिकेशन के लिए, हम मिलेंगे शाम को 7:30 बजे जिसमें हम आज जो टाइप्स ऑफ बैंक्स हैं भारत में उनकी चर्चा करेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट बैंकिंग टर्म्स की भी हम लोग चर्चा करेंगे, तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग द सेशन वंस अगेन।